देश में एमएसएमई से जुड़े उद्यमी कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं और दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को एक नई मजबूती। इसकी एक मिसाल है आगरा के सुमित कुमार। पहले मैंने 2 लाख से काम चालू किया था, तो चलते चलते 2 साल हो गया मेरे को काम करते हुए। फिर डिमांडिंग बढ़ रहा था मार्केट का, एमएसएमई डिपार्टमेंट के पास गया था। एमएसएमई डिपार्टमेंट की वजह से मेरा 4,11,000 रुपये का लोन सैंक्शन हुआ। आज मेरा हर 6 महीने का टर्नओवर है लगभग 25 से 30 लाख रुपए समथिंग पहुंचता है। एमएसएमई सेक्टर को विस्तार देने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में मिजोरम के हेनरी सिंगुरा भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने इस क्षेत्र में मशरूम की खेती को एक सफल व्यवसाय बनाकर यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। मशरूम is the main source of income in Mizoram. Being a startup, funding is the main problem we have faced. And I took PMAGP loan and having 35% subsidy. This helped me a lot in my startup. भारत की नारी शक्ति भी इसमें पीछे नहीं है। बेंगलुरु की श्वेता हरीश आज मॉड्यूलर फर्नीचर डिजाइन करने का काम कर रही हैं। लेकिन ये सब MSME मंत्रालय की मदद के बिना संभव नहीं हो पाता। MSME team, they have guided us in the end-to-end implementation of this manufacturing unit. First thing is, they have supported for this Udyam registration where we get a collateral free loans. So all these schemes, they have educated us in the right way and they have educated us also how to like make use of it. PM Narendra Modi के नेतृत्व में छोटे उद्यमियों के सामर्थ्य MSME सेक्टर की असीम संभावनाओं को देखते हुए जिस तरह विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं, उससे साफ है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सिद्धि की ओर बढ़ चला है।